हर रोज की भांति विशेष स्कूल के बच्चे शुक्रवार जब अपने स्कूल परिसर पहुंचे तो दो दो ताले लटके देख वह अचंभित रह गए। पता चला कि उनके स्कूल को खाली करने के निर्देश हुए हैं और स्कूल के दरवाजे पर अलग से ताला भी लटका दिया गया है। शिमला जिला के रामपुर बुशहर बाजार स्थित भीमा काली मंदिर ट्रस्ट के नरसिंह मंदिर परिसर में कोशिश एक आशा संस्था का विशेष बच्चों का स्कूल पिछले कुछ वर्षों से चल रहा था। इस डे केयर स्कूल में रामपुर ही नहीं किन्नौर आनी व रामपुर आसपास के कई विशेष बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। यह स्कूल शिक्षा ही नहीं खेल अथवा सांस्कृतिक गतिविधियों में भी विशेष बच्चों को आगे ले जाने का प्रयास कर रहा था। भीमा काली मंदिर ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय वीरभद्र सिंह थे। उनके निधन के बाद स्कूल पर संकट के बादल छाने लगे। ट्रस्ट की नजर कोशिश एक आशा स्कूल पर पड़ी और उसे खाली करवाने के फरमान जारी कर दिए। लोगों का आरोप है कि यह मंदिर ट्रस्ट धर्मार्थ एवं सेवा के कार्य को कम व धन उपार्जन का कार्य अधिक कर रही है, लेकिन एकाएक कोशिश एक आशा के विशेष बच्चों के स्कूल को खाली करवाने के फरमान से कोशिश एक आशा संस्था को धक्का लगा। इसे विरोध में कुछ संगठनों के सहयोग से विशेष बच्चों ने रैली निकाली व एसडीएम से मिले। उन्होंने मांग की है कि स्कूल परिसर को पुनः बहाल किया जाए। एसडीएम एवं भीमा काली मंदिर ट्रस्ट के उपाध्यक्ष निशांत तोमर ने बताया कि ट्रस्ट की बैठक में जो निर्णय लिया गया है उसमें उस हिसाब से आगे कार्यवाही हुई है। अब इस मामले को ट्रस्ट के समक्ष रखा जाएगा और सकारात्मक रास्ता निकाला जाएगा। न्यास से जुड़ा मामला है तो इसमें जो भी डिसीजन होगा तो ट्रस्ट और इस जो हायर अथॉरिटी से उससे ही डिसाइड होके तब उसको कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ज्वाइन किया था उसके बाद भी ये मामला ध्यान में आया तो इसको हम ट्राई कर रहे हैं कि जल्दी एक्सपेडाइटली ये जितने भी लॉन्ग पेंडिंग केसेस हैं जो ऐसे दुकानदार हैं या तो अपना वो बकाया जल्दी लें और या तो उनको इविक्शन उसमें कर दिया जाएगा। तो इसके तहत कार्रवाई चल रही है और ड्यू प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है तो जल्दी ऐसे जो दुकानदार हैं उन तक भी हम या कार्रवाई अमल में लाएंगे, उनको खाली करवा दिया जाएगा या जितना जो किराया बकाया है। वहीं कोशिश एक आशा संस्था की संचालिका स्वाति बंसल ने बताया कि भीमा काली मंदिर ट्रस्ट में भेदभाव पूर्ण तरीके से सेवार्थ कार्य को करने से रोकने का प्रयास किया है। फ्रेंड्स, कितनी बार हम लोग अंदर सफाई करते हैं, इतनी धूल होती है, आरती तक नहीं हो रही है मंदिरों में। क्या कर रही है टेम्पल ट्रस्ट? बिल्कुल नहीं कर रही जी। अगर धर्मार्थ कार्य करती तो ये भी धर्मार्थ कार्य है जी, दिव्यांग बच्चों की सेवा। हमें कौन सी मदद मिल रही है? भीमा काली टेम्पल ट्रस्ट को ये स्कूल चलाना चाहिए सारा खर्चा करके, उल्टा हमको इन सब बच्चों को बाहर निकाल दिया।